दोस्तों सब्सक्राइब करो 7 Star Tech को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 Star Tech YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ CBSE की कुछ चालाकियों के बारे में, वो आपके साथ कैसे धोखा कर रही है और उसके जो पॉलिसी बनाई हुई है दोस्तों वो कैसे कानून को तोड़ती है और कैसे दोस्तों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे आप लोगों के प्यार की वजह से दोस्तों 16,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप लोग अपना प्यार रखेंगे तो हम बहुत ही जल्दी दोस्तों 1 लाख और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे रेड कलर का एक बटन होगा उसको दबा के दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में एक बेल आइकन बगल में बना आ जाएगा उसको भी दबा लेना। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूंगा, अगर आप में से दोस्तों कोई भी लोगो वगैरह बनाता है या ग्राफिक डिजाइनर कोई है तो दोस्तों अगर वो चाहे तो दोस्तों मेरे लिए 7 Star Tech के लिए, वैसे तो मैं खुद बना रहा हूँ और मेरे दोस्त भी मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें एक अच्छा लोगो डिजाइन करने के लिए दोस्तों, पर अगर आप भी चाहते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगा आपका लोगो तो आपका भी मैं लोगो यूज कर लूंगा तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस दोस्तों यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो ईमेल एड्रेस, तो वहां पर आप मेरे को मेरे लिए 7 Star Tech के लिए लोगो बना के सेंड कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं CBSE की। दोस्तों CBSE ने आपके साथ क्या धोखा किया है, तो बहुत बड़ा धोखा तो दोस्तों यही है कि अगर आपके कंपार्टमेंट या कम नंबर आए हैं और आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं और आप चाहते हैं उसकी रीचेकिंग करवाना या फिर आप चाहते हैं आपको कि आपकी कॉपी दिखाई जाए दोस्तों, तो वो यहाँ पर साफ साफ आपको आपकी कॉपी नहीं दिखाना चाहते इनडायरेक्टली वे में दोस्तों, क्योंकि क्योंकि दोस्तों उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो उन्होंने इसको 3 चरणों में कर रखा है दोस्तों। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके बाद दोस्तों आपको कॉपी लेनी है, उसके तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें वो क्या कहते हैं कि आपको रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो आप तीनों, अगर आपने ये तीनों स्टेप फॉलो नहीं करे तो आप इनमें से कोई भी एक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दोस्तों कि हाँ मैंने क्या किया था, अगर आप तो दोस्तों आप अपनी कॉपी को नहीं ले सकते हैं अगर आपको चाहिए आपकी कॉपी, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं भरा है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना जरूरी है कॉपी लेने के लिए, और कॉपी लेने के बाद दोस्तों तभी आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि 21 और 22 तारीख जो कि अभी आई भी नहीं है और आप रीचेकिंग करवा लेंगे अपनी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपने अगर तीनों चीजें नहीं करी तो आप कोई भी एक नहीं कर सकते दोस्तों, यानी कि या इनडायरेक्टली आप अपने नंबर ही नहीं बढ़वा सकते या रीचेकिंग नहीं करवा सकते। बल्कि दोस्तों अगर लीगली देखा जाए तो हमारा RTI के तहत दोस्तों आपको पूरा हक है कि आप अपनी शीट को देख सकें, वो भी नॉर्मल फेयर में दोस्तों। ये ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, 10 रुपए का दोस्तों आपका एप्लीकेशन फीस, और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए आपसे ले सकते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, और आपको आपकी जो दोस्तों आंसर शीट है उसे दिखाने का देखने का आपका पूरा हक बनता है और आप उसको बिल्कुल मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले वेरिफिकेशन करो फिर ये करो फिर जाके आपको हम आपकी शीट देंगे। तो दोस्तों इसी के लिए चंडीगढ़ की दोस्तों एक स्टूडेंट ने भी इनके ऊपर हाई कोर्ट में केस भी कर दिया इसी को लेके दोस्तों कि उसको उसकी शीट देखनी है। इसकी जो दोस्तों लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन करवाने की वो थी दोस्तों 7 तारीख, तो यहाँ पर 7 जून को ही वो डेट निकल चुकी है। उसके बाद 15 से 16 तारीख को आपको कॉपी लेने के लिए फॉर्म फिल करना था, वो डेट भी निकल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो रीचेकिंग करवाऊंगा, और वो आप करवा ही नहीं सकते क्योंकि आपने पहले 2 स्टेप फॉलो ही नहीं किए। तो इनडायरेक्टली दोस्तों ये आपसे सिर्फ कमाने और ठगी करने का एक जरिया है, उन्हें बच्चों के भविष्य की या फिर बच्चों के नंबर्स की कुछ नहीं पड़ी है। आप पहले उनको 500 रुपए दीजिए दोस्तों वेरिफिकेशन कराने के, उसके बाद 700 या 500 रुपए दीजिए दोस्तों कॉपी लेने के, यानी कि 500 प्लस 5 या 700 और प्लस दोस्तों 1000 रुपए, मतलब 10 क्वेश्चन को आप करवा सकते हैं उसमें तो 1000, तो कुल मिला के यहाँ पर ये टोटल देखा जाए तो 2000 या 2200 रुपए हो जाता है दोस्तों आपका सिर्फ। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो नंबर बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और इसके लिए भी दोस्तों मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं वो वीडियो जब डालूं तो आप तक पहुंच जाए बड़े ही आराम से। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको दोस्तों मेरी बातें अच्छी लगी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ खिलवाड़ है, पर क्या कर सकते हैं CBSE, अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है, हो सकता है आपको आपकी शीट मिल जाए
और हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले सीबीएसई के लिए। अगर ऐसी कोई भी न्यूज आती है दोस्तों फ्यूचर में, तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सबसे पहले वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको वीडियो दूंगा। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले कि आप सीबीएसई उनके साथ क्या कर रहा है। आप अपने पेरेंट्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी ऑफिशियल न्यूज है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।